सोलन में 150वीं गांधी जयंती पर रैली का आयोजन किया गया। रैली में गांधी के विभिन्न रूपों को दिखाया गया। इस मौके पर बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर उपस्थित जन समूह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली और रैली के दौरान उनके गीत गाकर लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अधिक जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र की संयोजक ईरा प्रभात और बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उनके जन्मदिन पर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके विभिन्न रूपों को दर्शाया। उन्होंने बताया कि गांधी जी की विचारों को अपने जीवन में लोग ढालें और हिंसा का मार्ग त्याग कर प्रेम पूर्वक रहें, इस उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। सभी को मालूम है कि इस बार गांधी जी का 150वीं जयंती हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये हमने गांधी जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक रैली का आयोजन किया हुआ है। गांधी जी का जो संदेश है अहिंसा परमो धर्म सत्यता और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस संदेश को हम जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। के जो ये बच्चे हैं, अगर इनके बीच में ये संस्कृति जागृत रहेगी तो हमारा देश अखंड रहेगा, हमारा देश उन्नति करेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा मानना है कि हम चाहे प्रतीक के रूप में अपने अंदर महात्मा गांधी को धारण करने की कोशिश करें, चाहे प्रतीक हम बनकर निकलेंगे, फिर भी इनकी जो अंदर ऐसी भावना जगेगी और ऐसा संदेश पूरे हिंदुस्तान को जाए कि हर आदमी महात्मा गांधी बनकर अपने आप को आगे ले जाए।